नमस्कार आमर स्वतंत्र उपस्थापना ओडिशा उत्पीड़न ओडिशा एक नंबर को स्वागत करछि मु एवं मो सहित अछि मो सहयोगी निवेदिता मध्ये अछन्ति आमे बाबदरा आलोचना करबा जे एनसीआरबी रिपोर्ट जहाँ वर्तमान आसीछि सबठो चिंताजनक विषय एनसीआरबी रिपोर्ट रे ओडिशा रे असुरक्षित नारी बोली पूरा तथ्य कहुछि एवं महिला उत्पीड़न रे देश रे नंबर 1 रे ओडिशा नेशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो रे प्रकाशित होईछि 2021 रिपोर्ट एवं जो चिंताजनक तथ्य आसीछि तथ्य अनुसार रहीछि 2021 रे ओडिशा रे मोट 14853 महिला उत्पीड़न मामला सामना को आसीछि जहां कि देश रे सर्वाधिक एवं सबटु गुरुत्वपूर्ण कथा होछि यदि नजर पकाइबे 2019 को ताहाले मामला कम थिला ता माने 2000 रु अधिक मामला वर्तमान अधिक सामना को आसीछि निश्चित भाव में चिन्मयी आम आलोचना करवा कौली भाव में ओडिशारे असुरक्षित नारी कहीं ओडिशार तलू जदि आप देखिए महाराष्ट्र रही है कि सब बड़ कथा हूँ चिन्मयी ये संख्या धीरे धीरे बढ़ुची कथा आसुची जे जो राज्य में महिला सशक्तिकरण नारा दि जाऊँगी महिला को स्वावलंबी कथा कह राज्य नारी टीए के सुरक्षित ए प्रश्न आसुच्छे जिते बड़े एनसीआरबी रिपोर्ट सामना को आसुची नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रे जो रिपोर्ट सामना को आसुची जहाँ कि चिंताजनक 2021 ओडिशा रे मोट 14853 महिला उत्पीड़न मामला सामना को आसुची जहाँ कि देश रे सर्वाधिक सब चिंताजनक विषय होछि ओडिशा रे महिला क्षेत्र रे दंड विधान हार मात्र 8.3 चिन्मय देखंतु जदि दंड विधान सटीक ढंग रे करा जाउ थांता हुए तो ए संख्या बढ़ु न थांता ये रिपोर्ट आसुवा परे चिंता करबा स्वाभाविक एवं चिन्मय आपण भी तोले घर बाहर थबे अनेक समय आपण निजक के सुरक्षित मणती कि कहीं आम कई भी जानना आम सहित किसी भी घटी पारे और अनेक घटन आप देखते राज्य में न्याय आशा करवाटा ही वृथा आम पाखे अनेक घटना चिन्मयी रही आप कुंदुली पीड़िता कथा देखते निकट में ममिता घटना चिन्मयी आप बे भल भाव जानते तेणु ये तमाम घटना को देखिले जहाँ अनुमान कराला जहाँ तथ्य बर्तमान समय सामना को आसूँ ये स्पष्टता आसूची जे एनसीआरबी रिपोर्ट अनुसार ओडिशा रे असुरक्षित नारी एवं सबुठ चिंताजनक विषय होउछि ओडिशा रे महिला क्षेत्र में दंडविधान हार मात्र 8.3 आउ ता तरक महाराष्ट्र रोचे महिला विरोध में अपराध में टॉप 5 रे रही है ओडिशा 2021 रे 31,352 महिला विरोधी अपराध मामला रुजु होइछि एवं 2020 रे ओडिशा रे महिला निर्यातना रे दंडविधान हार थिला 9.3% चिन्मय निश्चित भाव में निवेदिता ये सबुठ चिंताजनक विषय जे 2020 रे जेतेबेले 9% थिला वर्तमान 2021 रे जो रिपोर्ट आसी मात्र 8% उल्लेख करा जाई छी ता माने दंड विधान रो संख्या मध्य अबा प्रतिशत मध्य कमुची कोठना कोठी दंड विधान को मध्य वर्तमान टिके बा जो भली भाबरे पुलिस प्रशासन तत्परता प्रकाश करबा कथा नै नाही कारण आपण जानी छथि निवेदिता महिला डेस्क को लेकि अनेक थरो ये अभिजोग आसे महिला माने जेतबेले थाना को जांती अभिजोग नै सेतबेले तांको दुर्व्यवहार रो शिकार हेबा पाई पड़े अति निकट रे पिहू घटना को नै आमे जानी छु गतकाली तांको मां मध्य जेतबेले महिला शिशु आयोगक बा तांको बासभवन सामने बसी देखा करने भेटापी एवं से एक मध्य जे मो पिला एथिपाई हजिला जो एथिपाई केवल पुलिस प्रशासन विशेष भाव में दायी जे जेतबले से अभिजोग नहीं जाइथिले तांको पुलिस प्रशासन तांको कथा को खामख्याल रो सह नहींथिला तांको एक कथा को चिन्मय से स्वीकार भी करिसेंती एक कथा को स्वीकार करिसेंती जे कोठना कोठी न्याय देबारे ओडिशा पुलिस फेल मारछ ओडिशा रे महिला विरोधी अपराध जो देखिबे प्रति 1,00,000 रे 2020 मसिया रे 112.0% वृद्धि थिला 2021 रे ए संख्या 137.8% वृद्धि पाइछ तेंनु चिन्मय ओभरली जो देखिबा एनसीआरबी रिपोर्ट निश्चित बाबरे चिंता बढ़ाउछ आ ओडिशा पुलिस कार्यदक्षता सामना को आसुची गृह विभाग पारिपा पणिया मध्य पूरा पोल खोली छे एनसीआरबी रिपोर्ट अधिक आलोचना करबा स्वप्ना जोड़ी महांती आम सहित जोड़ी छथि स्वप्ना अनेक समय आकुने अनेक चर्चा अनेक आलोचना सब भितर एनसीआरबी रिपोर्ट वर्तमान समय गृह विभाग पारिपा पणिया पोल खोली दे आम एक कही पार जो तथ्य सामना को आसुची ओडिशा रे असुरक्षित नारी एक आपण मध्य बेस भल भाव में हृदयंगम करुथे जो महिला हिसाब से चिन्मय क्षमा करेंगे स्वप्ना देखंतु निवेदिता निश्चित भाव में जितेबाला एनसीआरबी रिपोर्ट सामना को आसी कौटना कौटी प्रत्येक महिला आज असुरक्षित मन कर 2019 रिपोर्ट जो भाई भाव आपण मैंने आलोचना करते वर्तमान 2021 एनसीआरबी रिपोर्ट अर्थात क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट जो वर्तमान सामना को आसी निहाती चिंताजनक कहीं कॉलेज कैंपस रु ही आरंभ होता है गोटे झीटे पाठ पढ़ापी आसता है और विभिन्न समय जितेबाला आगू आगू बढ़े से आप देखूँ राज्य में जो भाव में झील मैंने वर्तमान असुरक्षित
अच्छा आप आलोचना करते परी कथा कहतु पिहू कथा कहतु कुंदुली कथा कहतु बेबिना एवं जदि देखिए तालोले ममिता मेहर कथा कहतु वर्तमान रुचिका महांति कथा कहतु सबुबले कलेज कैंपस रु ही छात्री मैंने असुरक्षित था परवर्त मुहूर्त विभिन्न समय आपर्ग पर आसना कौटना कौटि से न्याय मिल पारिना केस एपर्त रफा दफा होना जहाँफल कि न्याय पाई जहाँफल कि ये धीरे धीरे ए संख्या बढ़ापी जाऊँगी आउ गोटे कथा जो न्यायर दंडविधान हार धीरे धीरे कमुचे जहाँफल कि नारी मैंने असुरक्षित होती आम सहित आज आलोचना करवा आम सहित रमादेवी कैंपस छात्री मैंने जोड़ी होती सीधा सड़कर नवेदिता प्रतिक्रिया ना जे आपण मैंने समस्ते कॉलेज गोइंग स्टूडेंट सबुदिन कॉलेज आसुचारे आसुचार घर कैंपस को किंतु जो रिपोर्ट वर्तमान धीरे धीरे सामना को आसुच्छे आपण को कौन लगुच ओडिशारे गोटे झील टी सुरक्षित रोन किए ढिलापण रोच कि कौन सी भी प्रसंग में हो कॉलेज कैंपस असुरक्षित कथा कहतु बा गोटे पर महिला कथा कहतु कहीं भी न्याय पा ना सद्य सद्य जदि देखा रुचिका महांती भी न्याय पाई एपर्तंत आपण मानक झीटे तेणु कौन आशा करती ये जो रिपोर्ट कौन दर्शाऊ कहवापाई गले तो आजिकल आमर खासकर आम ओडिशा रे झील मैंने से सुरक्षित जमा भी नहांती सेटा हे माने से माने आजिकल जो सुसाइड केस जो आगो को जो बढ़ुची हे परे सेटा प्रेमर कारण हो कि तांकर किछि पारिवारिक कलह हो जो थी भी हो से माने प्रेमरे जो आम रुचिका कथा भी नहीं पारिबा तांकर कौन सीए रैगिंग कराला कॉलेज रे जदि सेमती किसी जिनस होमें कोर्ट को जाइना कि पुलिस को जाइना आम से विषय में सूचना दबा कि आम सागर एमती किसी गोटे होन आम आमको न्याय दि जाऊ कि आमर जो सेक्शन सब रोचे कोर्टर लर सब से आम उपरक भल प्रभाव पकाए पकाए कि लोक मैंने से भावुना आगे से विषय ना भावुंत कि आम एमती किसी कले आम को काले कि अधिक लोक मैंने आम उपरे हसबे कि लोक मैंने किसी खराब कथ आम कहें से आगे जापना कि मो हिसाब से आगे से विषय सब कहे लोक मैंने जानतु आजिकल झील मान एम सब अत्याचार होने निजे निजर जी पदक्षेप जी न नहीं पारे तो किए भी नहीं पारे निजर पदक्षेप ना कथा जड़े छात्री कहते कि शुभस्मिता भी आम सहित जोड़ी शुभस्मिता विभिन्न घटन आप देखी झील मैंने रिपोर्ट फाइल करवाकर माँ बापा मैंने जा कलेज कैंपस रु हो कि थाना महिला थाना कथा कहतु महिला डेस्क कथा कहतु कितु आउ गोटे कथ आप जानते जे वर्तमान जो महिला थाना गुड़िक रही जो थाना गुड़िक खासकर रही महिला डेस्क कथ कहला जे महिला टीए सुरक्षित भाव जीव संवेदनशील प्रसंग में भल भाव से कथा हम निजर असुविधा से जनइब कि बहुत गुड़े थाना महिला डेस्क बर्तमान ना आप गले सुरक्षित मन करेंगे कि ना सेटा तो आम के करूनि कारण लेडिज मानाई ही पुलिस स्टेशन ने किटा महिला कर्मचारी था तो गोटे गोटे पुलिस स्टेशन तो सेमती न था तो केतने भलसे मिसबिहेव कर पारंती कि संगे भलसे कथ नही पारती जो सी जो रिपोर्ट करने को चाहती से पर्टिकुलर न करती तो सी आ पाक जी पुलिस ही गोटे जिनस अच्छे जहाँ पाक कि लोक खोलिक खुला मन में जापर किंतु जदि से मानते कहीं महिला कर्मचारी नए तो से क्या पाक जी सहजे मांग हाँ किसी मात्र तो फेल अच्छी फेल अच्छा आउ जो छात्री जोड़ी होती आपत प्रतिदिन कॉलेज रेगुलर राजधानी राजरास्तार जिते बड़े आसुवे चिन्मयी निवेदिता से समस्ते देखी मास्टर कैंटीन हो लॉयर पीएमजी हो चाहिए परवर्त समय निकट को फेरबु आलोचना करने अन्य छात्री मैंने रही निजक सुरक्षित मणती बर्तमान सोसाइटी बर्तमान आम सहित समाजसेवी सेवी सुजाता नायक आम सहित जोड़ी होती तेरे मैडम आपको अर्गस न्यूज को स्वागत जनइबु मैडम जानवापी चाहिए आपण जे एनसीआरपि रिपोर्ट बर्तमान जहाँ सामना को आसी आम कहीपर जी आम को जितिय स्तर में लज्जित कर निश्चित मैडम एनसीआरबी रिपोर्ट अनुसार वर्तमान ओडिशा घरेलू हिंसा रे द्वितीय स्थान अधिकार करी आज महिला सफलतार शिखर में पहुँची पारी से महिला हिंसा रे भी शिखर में पहुँची पारी दुईटा एक बहुत ही विरोधाभासी जिनस ये विरोधाभासी कह जो महिला मैंने शीर्ष में पहुँची पारिंट से मैंने कौटिना कौटि से बहुत डिसिप्लिन
आउ सेमाने निजर सुरक्षा दिगरे सेमाने बहुत जत्नवान अछंती आमे केवल जदि पुलिस को किंबा समाज को दोष दे आमे जदि कहि परिबा जे महिला हिंसा से कोठे ना कोठे सेमानंको द्वारा ही बढ़ुची सेटा भूल कथा आमर अवेयरनेस रो कमी अछि आमर एजुकेशन पॉलिसी रे कमी अछि आउ कोठे ना कोठे आमे जतेबेले बाहर को झियोटे पढ़िबा पई आसुचे तार परिवार वर्ग जथेष्ट ताको सचेतन करूथले मध्य पिलाटी किंबा झियोटी किंबा महिलाटी प्राथमिक अवस्था रे जतेबेले हिंसार शिकार हेथाय श्रीमती नायक आपनको कहबा कथा जे आमे भितरे सचेतनता अभाव रहिछि बा आमे भितरे कोठे ना कोठे एजुकेशन रो कम रहिछि जोथि पई आमे एभली घटना बारंबार देखुचे किंतु टिके एठी हमर प्रश्न रहिबो जेतेबेले कोनोसी सात दिनर गोटे कुनी छुआ बा अनेक समय एक कथा कहबा पई हमको हुए तो अनेक समय लज्जा लागे जे सात दिनर सुआ छुआ सात मासर छुआ एमानक सहित मध्ये दुष्कर्म घटे सीए कोन एजुकेशन सिखिबो मैडम जेतेबेले ए कुनी छुआ सहित कोनोसी प्रकार दुष्कर्म होउचे सेठी कोठी ना कोठी एठी आमर सेती पई गोटे परिवार सेती पई दाई होउचे एपरी मानसिक विकारग्रस्त व्यक्ति टिए किंबा महिला टिए जदि आज आम परिवार रे रहुचे ताको परिवार रो बहुत बाछंद रूपे आमे देखि थौचु केबे भी कोनोसी प्रकार तार मानसिक स्वास्थ्य रो जदि जत्न निया जाय परंता कोटे लोकर ओवरऑल डेवलपमेंट पई तार परिवार ही दायी मोर मु कहिबार एति पई मु परिवार को दायी करबे काहेने प्रत्येकटी व्यक्ति परिवार रो ही आसी थाए समाज को समाज रे से कोनोसी क्षति घटेबा पूर्वरु तार परिवार से विषय आभास पाई थाए आमे किंतु परिवार एठी जदि से जिनसटी को लुचेला किंबा तार प्रतिकार न कला ताले से दिन न दिन से समाज उपर तार प्रभावटा पड़िबो आ सेटा बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़िबो आपण देखंतु कोनोसी जेतेबेले व्यक्तिटे मानसिक विकारग्रस्त होई कोनोसी पिला सहित दुष्कर्म करूची ता कोनो ता पछरे तार कोनोसी परिवार वर्ग आसु नांती काहेकि ना लोकलज्जा रहूची किंतु कोण पय लोकलज्जा कोठी ना कोठी से कारो भाई कारो कारो पिता कारो पुत्र से रहूची ताकु जदि हमें सामाजिक पाछंद को विधान हारो आपण ओडिसा रे देखिबे महिला को क्षेत्र रे मात्र 8.3 आपण को लागुनी जे जदि आईन कठोर हुंता हुए तो अपराधी माने भय करनते एभले किछ कांड घटाइबा पूर्वरु कन्विक्शन रेट बा अपराधिक जेतु दंडविधान हारो जेतु कम रहिछि जोति पय हिंसा घटि चालिछि ए हिंसा बढि चालिछि हम ओडिसा रे कथा हमें कहि परिबा मैडम निश्चित भाव आईन रो तो एते गला बाट अच्छी आउ आईन कोठी ना कोठी कठोर नुहे जदि आमर गोटे इनस्टान्स रे जदि कौनसी आखिदृश्य दंडविधान हो पारंता ताहले जो मैंने दोष करने को जाऊँच किंबा जो मैंने क्रिमिनल एक्टिविटीज रे निजक संप्रक्त रखिंट किंबा घरेलू हिंसा रे निजक सामिल करके डरते किंतु आमर एफआईआर सिस्टम जो आमे पुलिस स्टेशन को जाई के जो रिपोर्ट टी आम लिखिबू से रिपोर्ट लिखा समय व्यक्तिटे जापर जी मु कौ प्रकार रिपोर्टटे लिखी आमती लिखी कौन सी मुझे कहवापी बहुत लज्जित मन करी जो कथा छात्री मैंने कहते आज पुलिस स्टेशन को जितेबाला झीटटे कि महिलाटे जाठी महिला पुलिस थी पाखु प्रकृत सेवा आशा करा जाऊ नाही से माने कोठी ना कोठी सेटा को डाइवर्ट करूचंती जेमिती कि ए पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन रे ए केस टी दर्ज न हो सेटा को से माने गुमराह करूचंती तांकर रिपोर्ट रखिबा को मना करूचंती फळ रे झियोटी कोठी न्याय पाइबो से जानि परुनी आ गोटे कथा कि महिला कमिशन मैडम जति कि भी रिपोर्ट फाइल हो छ आमे देखु चंती अन्य केमती घटना अछि जोथरे कि पीड़िता भयभीत हो जाउ चंती परिवार उपरे चाप पक्का जाउ छि जो प्रभावशाली व्यक्ति विशेष मानकर संपृक्ति आसे किबा तांको चेला चामुडा अनेक समय रे आमे एक कथा देखि चंती ओडिसा पुलिस रिमोट कंट्रोल साजे एवं काहाकु सुरक्षा देबा आळे पुलिस घटना को घोड़ाइबा पई चेष्टा करे एथि पई मते अनेक एमती रहिछंती पीड़िता जो माने कि सामना को आसी पर नाते रिपोर्ट करि पर नाते जदि ये रिपोर्ट संख्या बढ़े गोटे अवेयरनेस क्रिएट करा जाए सचेतनता सृष्टि करा जाए ये संख्या आगो को बढ़िबो आहुरी बोली आपण मने करुनांती कि नहीं मैडम एटे निश्चित भाव आपण जोटा कहिले कोनोसी राजनैतिक दलर जेतेबेले कोनोसी प्रकार कोनोसी क्रिमिनल एक्टिविटीज रे लिप्त रही लोकटे सहित तार जेतेबेले हाथटे रहुची से बिना द्विधारे पुलिस स्टेशन रु कोनोसी केस रे से बरी
ହେଇଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର କୌଣସି ଆଉ ଡର ରହୁନି ସମାଜ ପ୍ରତି କିମ୍ବା ସେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଟିମ୍ ପ୍ରତି, ସେମାନେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଭିକ୍ଟିମ୍କୁ ଡରେଇବା ଧମକେଇବା ଆଳରେ ସେମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫଳରେ କୌଣସି ପୀଡ଼ିତା ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ରିପୋର୍ଟ କଲା ପରେ ବି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନି। ତ ପୋଲିସ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭରସା ତୁଟି ଯାଉଛି କୌଣସି ଥାନା କିମ୍ବା କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଉପରୁ ଇଭେନ୍, ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି କୋର୍ଟକୁ କିମ୍ବା ଥାନାକୁ ଯାଇକି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରୁନି ତାହେଲେ ବେଟର ହେବ କି ଆମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା କିମ୍ବା ନିଜକୁ ସମାଜରୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିବା। ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହିଂସା ଆହୁରି ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ହିଂସା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାଜଧାନୀରେ, ସତେ ଯେମିତି ହିଂସାର ଗୋଟେ ବାର୍ଡ ଆସିଯାଇଛି। ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ମୋବାଇଲ କିମ୍ବା ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଂସାର ରିପୋର୍ଟିଂ, ସେ ଅପର କ୍ଲାସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋୟର କ୍ଲାସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ମହିଳା ହିଂସା ଚାଲିଛି। ଆଉ ମହିଳାମାନେ ଯଦି ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ସେମାନେ ବହୁତ ମଜାକର ଶିକାର ବନୁଛନ୍ତି, ଲୋକଟି ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଜାକ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଘଟଣାର ବା ଯେତେବେଳେ ଘଟଣାଟି ଘଟେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେ ହିସାବରେ କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆସେ ନାହିଁ, ଦୋଷୀ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ବୁଲୁଥିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କଥା ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି 22 ବର୍ଷରେ ବା 22 ବର୍ଷକୁ ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି, ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଏବଂ ତାର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଭୋଟ ହାତଉଛନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ କରନ୍ତି ଯେମିତିକି ପରୀ ରଥ ବୁଲାଇଲେ ସରକାର, ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଜାରି କରାଗଲା, ଯଦି କେତେବେଳେ କୌଣସି ମହିଳାଟିଏ ନିଜକୁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛି ତାହେଲେ ଟୋଲ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବିକ ଇଏ ସବୁ ପ୍ରତିଫଳନ ହେଉଛି ତ, ଇଏ ସବୁ ଫଳସ୍ୱରୂପ କାମ କରୁଛି ତ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛି, କାମ କରୁନି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିଶ୍ରମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଆମର ଓମେନ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଅଛି 1091 ଅଛି, ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ 181 ଅଛି, ସେମିତି ଟପ୍ ଆପ୍ସ ଅଛି, ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟିଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓମେନ୍ ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ବି ଜାରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ କେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନେଇ ଯାଇପାରୁନୁ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠୁ ଆମେ ସମାଜ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁନାହିଁ, ପୋଲିସ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁନାହିଁ, କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ପରିବାର ହେଲ୍ପ କରୁନି। ତ ଏ ଦ୍ୱିଧାରେ ଆମେମାନେ ସବୁ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯେଉଁଟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ପେପରରେ ଦେଖାଯାଉଥାଇପାରେ, ଯଦି ମୁଁ ମୋର କହିବା କଥା ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲରେ ଆଜି ମିଶନ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି, ଯଦି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ ଆଶାକର୍ମୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ମୋର କହିବା କଥା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଦେବା। ଆମେ ରିପୋର୍ଟିଂ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସେଟାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଯେମିତି ଆମେ ସେଟାକୁ ଆମେ WCD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇ ଟ୍ୱିଟର କିମ୍ବା ଆମେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ମିଶନ ଶକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହାତଉଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ନାରୀଟିଏ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ସେ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଲିସ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଠାରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ଶିକାର ହେଉଛି ଅନେକ ସମୟରେ, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନଜିର ରହିଛି। ତେବେ କଥା ହେଉଛି ଯେ କେତେ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ସରକାରଙ୍କର ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଇଏ NCERB ରିପୋର୍ଟ ହିଁ ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲି ଦେଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ, କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି। କବିତା, ଯେଉଁ ଟପିକକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ମହିଳାଟିଏ ବା ଗୋଟେ ନାରୀଟିଏ ଘରୁ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯଦି ମୋ ସହିତ କିଛି ଘଟେ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବି ତ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆଜିର ରିପୋର୍ଟ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ଖୋରାକ ଯୋଗାଇଛି, ଇଏ ପୁରା ସରକାରଙ୍କ ପୋଲ୍ ଖୋଲିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ନାରୀ ଆଉ ମହିଳା ଉତ୍ପୀଡ଼ନରେ ଦେଶରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ 1 ନମ୍ବରରେ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସୁଛି କବିତା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ?
निहाति भाव में जदि कह कि ओडिशा रे असुरक्षित महिला बा नारी कथा कहीपरिया कहीं एनसीआरबी रिपोर्ट जहाँ प्रकाश पाई से ओडिशा रे महिला असुरक्षित बोली जहाँ संपूर्ण स्पष्ट चित्र आसी जो थे कि नंबर वन रही ओडिशा एथस जदि कह राज्य सरकार विभिन्न प्रकार योजना कर महिला मानक इलेक्शन समय महिला मानक गोटे आग को निजाए भोट हाथेपाई परवर्त पर्यायर जदि कह कि जो भाव में परीरथ कथा कहतु बा जो पिंक ऑटो महिला मानक सुरक्षापी टोल फ्री नंबर करागला कितु महिला केते सुरक्षित महिला केते सुरक्षित से संपर्क में आलोचना करवा मार्केट बिल्डिंग अच्छे कि महिला मानक प्रतिक्रिया ना जोटी की से कलेज जा छात्र छात्री मैंने अच्छा तुम्हें कलेज जा केते सुरक्षित निजक मन कर आउ जो केस भी आसे हमें अनेक घटना देखीचे जो केस आसे से सब समाधान हो पारे निजक केते सुरक्षित मन देखु 2000 जेनेसन है भी नारी मैंने सुरक्षित नहांती जमीक आप देखुए कि रुचिका केस हो कि आमर जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी भी जी भी हूँ तो सेमर जो सब केस हो तो जो से जहाँ भी जितक दूर से अत्याचार होगी हो तो से केस सल्व हो पार नहीं तो जदि से दूर से केस गुड़ा सल्व हो जाता तो आज के जेनेसन में नारी मान प्रति एत सब अत्याचार हाँ जो रेप केस हो कि रोड साइड रे मर्डर हो कि भी हो तो आम आमको जिते दूर सुरक्षित रखिले भी बट से जेनेसन तो आमको से देखुनी ना तो आम तो से सुरक्षित रही पार ना तो से प्रति जदि किछि भी स्टेप नियाजिब तो नारी में भी सुरक्षित रह माने कार्यनुष्ठान निहाति नबा दरकार जो कार्यनुष्ठान जदि निया जांता से भले दंड विधान दिया जांता ताहाले समाधान ताहाले समाधान हेई परंता तांकू सेते दूर दंड दिया जाउनी तांकू सेते दूर सेही केस को नेकिना किछि स्टेप निया जाउनी तो सेति पई जेनरेशन मतलब परफेक्ट स्टेप को आसी पारो नहीं कौन करबा दरकार कोबले व्यवस्था होबा दरकार कहिना इलेक्शन समय रे अपन देखुथबे वोट देबा पई विभिन्न प्रकार व्यवस्था करा जाय विभिन्न प्रकार योजना करा जाय किंतु परवर्ती पर्याय रे महिला को केते सम्मान मिले एथि पई कि इलेक्शन रे सेटा तांको वोट दिया जिवो तो से जेतु तांकर प्रॉफिट पई तो से सेमति किछ करिवे ना बट सेडी आमे कोन सफर रोजना तो आमको तो किछ सेमति किछ ये मिली पारुनी ना तो आमे आमो कथा कहनु सब नारी मानन को कथा कहउछु तो जदि सेमिति किछ स्टेप निया जा से प्रति तो मे भी आम सुरक्षित रही पार्टी भाव में जो स्लोगान रही राज्य सरकार का जो स्लोगान रही माँ को सम्मान ताते दूर सफल वेते दूर कार्य करुच्चे ये रिपोर्ट रू ही जना पड़े और जब कह महिला मैंने सुरक्षित नहांती आपण आपण के सुरक्षित अच्छा आजिकल महिला मैंने के सुरक्षित अच्छे झीटे जो घर को घर बाहर को बाहर तेज सी के वर्तमान तो नारी मैंने सुरक्षित नहांते जो बड़े केस हो मो सांग तो कहला सब तो आप कौन फिल करती केते सुरक्षित महिला जदि देखो आम जो आम माइंड सेट भी अच्छी जो आम घर बाहर आम सहित गोटे पुरुष पिलाटे जावा दरकार आम निजी सुरक्षित मन करना से जो सरकार भी कौन पदक्षेप ना दरकार कौन कार्युषान ना दरकार जो थे कि आउ टे सेफ फिल निहाती वर्तमान सुप्रीम कोर्ट जो भाया सब बाहर कर सारे से नारी मैंने कि मानु भी नहांती आपरे बहुत सारा केस होती बिल्कुल कविता टी अटकवाई चाहिए वर्तमान स्वप्ना सहित जोड़ी होती रमादेवी विश्वविद्यालय सामनारु एवं छात्री मान सहित टी पूर्व से आलोचना करुते स्वप्ना को निकट को पुणि थे फेरबी स्वप्ना जो छात्री मैंने रही जाणी जे मोराल एजुकेशन सहित नारी सुरक्षा दिगरे पाठ्यक्रम आड हेबार के आवश्यकता रही निहाती भाव चिन्मयी किछ छात्री जो माने अछंती सेमानकर प्रतिक्रिया ए विषय रे खास करिकि नबा जे आपण जतेबेले कॉलेज कैंपस को आसुछंती विभिन्न विषय रे पाठ पढ़ुछंती किंतु जो मोरल एजुकेशन जेमती मु आपण डिस्कशन करूथली जे ओमेन जो भाव में वर्तमान हरास होती विभिन्न क्षेत्र में सामान को निर्यातना दिखाई ए विषय जो मोराल एजुकेशन पर शिखा छड़ा ता व्यतीत आपन को कॉलेज कैंपस रे केते थर ए विषय आलोचना हुए ए विषय आलोचना हवा दरकार कि नाई कौन आप भावती ए विषय मानते सबुआ मान शिक्षा मानते कॉलेज रे हो स्कूल रे हो ये सब आमको मानने आगुरी शिक्षा मिलवा दरकार खाली घर ही ना कॉलेज स्कूल सबुआ दरकार दरकार ना सेमती किसी तो होनी खाली जा किसी वुमेन्स डे है कि किसी है खाली जा टे कही दौन ना ना से किसी हो ना कॉलेज कैंपस को जूनियर सीनियर मान सहित अच्छे नुआ नुआ कॉलेज कैंपस आसती आंटी रैगिंग सेल उपर आपन को कते थर कह
ନାଇଁ କାରଣ ଏମିତି ତ କୁହାଯାଇନି କେବେ, କାରଣ ଆମ କଲେଜରେ ତ ରାଗିଙ୍ଗ ହେବାର କେବେ ମୁଁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ପଢ଼ିଲିଣି, ମୁଁ ଶୁଣିନି କି ଆଗରୁ ବି ଯିଏ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ ହେଉଛି ବୋଲି କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେଲ୍ କଥା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି କି ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁନି, ଯଦି କାମ କରୁଥାନ୍ତା ବିଭିନ୍ନ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଛାତ୍ରୀମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିନଥାନ୍ତି, ଏହା ଉପରେ କ'ଣ ମତାମତ? ତ ଏମିତି ରାଗିଙ୍ଗ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ଏମିତିରେ ଏବେ ଗୋଟେ ବିଜେପି କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରୁଚିକା ସିଏ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି। ତ ସେଇଟା ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, କାରଣ ସବୁ କଲେଜରେ ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ସୁଇସାଇଡ୍ ଜଣେ ଜଣେ ମାନେ ବହୁତ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାହିଁ ବହୁତ ହେଉଛି, ସବୁ କଲେଜରେ ବି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଟିକେ ତା ଉପରେ କିଛିଟା ମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ବିଲକୁଲ ସ୍ୱପ୍ନା, ଟିକେ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଫେରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଯେମିତି ଶ୍ରୀମତୀ ନାୟକ, ସମାଜସେବୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଯେତେବେଳେ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତା ପଛରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମହିଳାର ହାତ ଥାଏ, ୟାକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଏଇଟା ଏକଦମ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେଇଟା କହି ଆସୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ମାଆଟେ ଯେମିତି ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ନିଜକୁ କରିବ ଶିଖାଇଥାଏ, ସେମିତି ବି ସମାଜରେ ଏବେ ବହୁତ ବେଶୀ ସେ ହିଂସାର ଶିକାର ଗୋଟେ ମହିଳାଟେ ମହିଳା ପାଇଁ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ, ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ତଳେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଜି ଉଦୟଗିରି ଥାନାର ଏସ୍ଆଇ ସ୍ୱାଗତିକ ବେହେରାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହତ୍ୟା କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେଇଟା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ ପହଞ୍ଚି କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ତା ପଛରେ ଯାହା ବି ହେଉ ଆଉ ଜଣେ ତାଙ୍କର ମହିଳାଙ୍କର ହାତ ଅଛି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଏଇ ଏଇ ଜିନିଷଟାରୁ ଆପଣ ଲୋକମାନେ ସମାଜକୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ କଲା କି ଯଦି ଗୋଟେ ପୋଲିସର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଏଇଭଳି ଆଉ ସିଏ ସେ ଥାନା ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମହିଳା, ଯଦି ସିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କଲା ପରେ ବି ଯଦି ସିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ NCRB ରିପୋର୍ଟ ପୁରା ସତକୁ ସାମ୍ନା କୌଣସି ଇଏ ଆସିବା ପରେ ରିପୋର୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାରେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ନାରୀଟି ଅସୁରକ୍ଷିତ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବା ଦରକାର ଏବଂ ନାରୀଟିଏ କେତେବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ବଢ଼ିବ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରାତି 12ଟାରେ ଝିଅଟିଏ ସୁରକ୍ଷିତ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛି ତାହେଲେ ଏ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତେବେ କେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରଙ୍କର ଆନ୍ତରିକତା ଆସିବ ନାରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପ୍ରତି, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ସୁଜତା ନାୟକ, ଆମ ସହିତ ସମାଜସେବୀ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଆମ ସହିତ ସ୍ୱପ୍ନା ଯୋଡ଼ି ମହାନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, କବିତା ସ୍ୱାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଚିନ୍ମୟୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।